तो आज का आखिरी इफ्तार है इस रमजान 2024 का। अरे सबको चांद मुबारक। रहमान का है, ये अब्दुल्ला का है, ये हम कल उनके साथ गेम खेल के पूरा देने वाले हैं। रेडी हो गया अब? अब्दुल्ला भाई मजा आ रहा है क्या इससे? और अभी आप बाहर निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा क्राउड है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैसेल्फ कश्मीर से प्लेयर गोइंग वेल। आज डेट है 10th ऑफ अप्रैल 2024 और आज इस रमजान 2024 का लास्ट डे है, यानी 30 बार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सहरी हो गई है। लास्ट वाला ब्लॉग हमने सुबह सहरी में एंड किया था और अभी ये न्यू ब्लॉग स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी जहर की नमाज भी हो गई है और कुछ देर पहले मैं दुआ को छोड़ने के लिए भी गया था उनके नानी के पास। दुआ को ड्रॉप करके आ गए हो और अभी इंशाल्लाह अभी आगे भी बहुत काम है आज, क्योंकि आज आखिरी दिन है रमज़ान का, कल ईद रहेंगी तो वही प्रिपरेशंस वो चालू है। अगर आज ये ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया तो ईद का जो दिन है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, इस ब्लॉग के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी इंशाल्लाह आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलते हैं गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। तो अभी कुछ देर पहले मैं इफ्तार लाने के लिए रोशन गेट की तरफ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने इफ्तार तो लेकर आ गया है और आज घर में कोई भी बच्चे नहीं है, सब अपने नाना नानी के पास गए हुए, दुआ भी उनके नाना नानी के पास गए हुए। तो आज का आखिरी इफ्तार है इस रमज़ान 2024 का। अरे सबको चांद मुबारक। अभी रात के करीबन 1:30 बज रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? और हम ये अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान भी कर रहे हैं वॉच पैकिंग। ये स्मार्ट वॉच है, हम इसका आपको कल ईद के दिन दिखाएंगे। ये दोनों अलग अलग है, एक वॉच है, ये एक वॉच है, दोनों अलग अलग। और ये हमारे पैकिंग मास्टर इधर बैठे हैं, मास्टर माइंड पैकिंग मास्टर। अरे दोनों अलग अलग है, जिसको और ये वो उठा लेगा। देखो ये दुआ दोनों के डॉल, देखो ये डॉल है, सेम सेम है, ये सब हमारे पैसों का है, इसमें कोई बड़े का पैसे नहीं है। तो गाइस यहाँ पर पैकिंग चल रही थी, मैंने भी थोड़ा हेल्प किया, मैंने ये वाला और वो वाला पैक करके दिया इनको। और ये मैंने करा है। ये गाइस ये मास्क का है, ये दुन्नू का है, ये दुआ का है, ये अब्दुल रहमान का है, ये अब्दुल्ला का है, ये हम कल उनके साथ गेम खेल के पूरा देने वाले हैं। ऐसी किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला फ्री में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का जो ईद की जो प्रिपरेशंस थे, ऑब्वियसली 30वें रोजे के दिन रात में ईद के प्रिपरेशंस हो रहे थे तो वो सब कुछ हो गए। और शॉपिंग हम सब ने, हमारे पूरे घर ने रमज़ान से पहले कर लिया था, तो ईद के अंदर हमको कहीं मार्केट में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अपने और मेरा तो काम चलते रहता है शूट करना शॉप्स पे इधर उधर जाकर, आप मेरे इस चैनल के ऊपर शॉर्ट्स में देख सकते हैं, मैंने काफ़ी शॉर्ट्स अपलोड किया है इस रमज़ान में। व्लॉग्स काफ़ी अपलोड नहीं कर पाया, 5 to 6 व्लॉग्स मैंने अपलोड किया इस रमज़ान में, ज़्यादा नहीं कर पाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान हमारा लगभग गुजर गया है और अभी रात के 1:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, 1 बजे या 1:30 बजे कुछ मैंने देखा नहीं अभी। और बस मुझे अभी एडिटिंग करना था, ये बच्चों की गिफ्ट की पैकिंग चल रही थी यहाँ पर, तो गिफ्ट की पैकिंग भी हो गई, ये लोग अभी नीचे चले गए। स्विगी के लिए मैं एक स्पेशल रील शूट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे अभी शूट करना है और फिर थोड़ी देर में एडिट भी करना है उसको, क्योंकि उनको ईद के दिन सुबह लग रही है। तो ये सब काम मैं कर आपको डायरेक्ट अब सवेरे मिलता हूँ। तो चलते हैं गाइस आगे बढ़ते हैं। तो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है ईद, पूरा ईद है, तो अभी कपड़े चेंज नहाते धोते कपड़े चेंज करते हैं, मतलब कपड़े पहन के फिर जाते हैं। शूज तो अभी से पहन रहा हूँ, अब यार शूज घुस रहा ही नहीं है, वही ना मतलब टाइट हो रहा है, बोल बच्चे यार घुसा दे यार, बैग नहीं घुसा दे, पहले घुसा दो। अरे
मुबाई अरे गाड़ी स्टार्ट मत करो अभी। अब्दुल रहमान का रेडी हो गया अब? ठीक है। तो गाइस अभी हम नमाज को जाने के लिए रेडी हो गए हैं और अभी माज ने मुझे खजूर दिए, बोले खजूर खाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेस को पहन लिए, तो बस ये एक्साइटमेंट रहती है ईद की। तो अभी निकल रहे हैं ईद की नमाज के लिए, तो चलते हैं गाइस आगे बढ़ते हैं। चलो 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 ले लिए ना, स्टार्ट कर। ईद की नमाज का तकरीबन वक्त हो रहा है, मुखल्लीन की तादाद हर साल बढ़ते जा रही है और फिर वो लिख कर लाने के बाद जबर उसका वक्त हो जाता है। हम इंशाल्लाह आइंदा उसका लिहाज करेंगे और वक्त पर कोशिश करेंगे मुकम्मल करें। 5 मिनट का वक्त जो हर एक वक्त ज्यादा लगता है। कपड़ा बिछारे और बेडशीट बिछारे। अब्दुल्ला भाई मजा आ रहा है क्या? काफी बिछा रहे, बल्कि जगह नहीं मिलती थी, कोई और भी है तो मना नहीं कर सकते। आज क्या है? बदलते हालात के तहत याद आया कमेटी को आपके खिदमत में कार्टर चुभा था अभी उनको। ये देखो ये साइड खोल मेरे को तो अंदर ही घुस गया था। भाई जाते वाले पैदा होता है कि रमजान खत्म हो जाएगा, चार चार यूट्यूब के पास का भाई चाचू ने बोले फिर अब तो कितना पड़ेंगे। फिर मैंने खोला अल्लाह के हुक्म से हराम को टर्न कर दिया, फिर हराम को चलो 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 चल गुड्डी 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 अलहमदिल्ला। आज हमारी नमाज हो गई ईद की और पहले हम अंदर पढ़ा करते थे, आज बाहर पढ़ना पड़ा क्योंकि आज क्राउड ज्यादा नजर आया यहाँ पर। और अभी आप बाहर निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा क्राउड है। चलो चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नमाज हो गई। नमाज के बाद पूरे फैमिली मेंबर्स में सबको ईद मिलकर आए और अभी घर आए फाइनली, बहुत ज्यादा थक गए और अभी दोपहर के 12:10 हो रहे हैं। तो चलो देखते अभी आगे क्या होता है। यहाँ पर माज़ है तो चलो चलते अभी थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, घर में बैठते कोई आए तो आपको बताते इसमें। तो चलते है गाइस आगे। चलो भाई बच्चों को गिफ्ट दो। कुछ मालूम ही नहीं क्या मिल रहा है। वो एक गिफ्ट है ना, ये है जो सबसे पहले लीजिए हमारे पुरस्कार दीजिए। किसको देगा? अब्दुल्ला भाई को गिफ्ट मिलते है। वाह, ये अनबॉक्सिंग बाद में करो। बाद में अनबॉक्सिंग चाहिए। जुनेरा को मिला गिफ्ट, ये लो। यहाँ पर मास को गिफ्ट मिलते हुए तालियां। तालियां यहाँ पर अब्दुल रहे और ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। सब गिफ्ट्स बताओ। ये अरे नहीं नहीं, अनबॉक्सिंग स्टार्टिंग। दिखाइए पूरा दिखाइए। फ्री प्रमोशन नहीं होता है इधर। ओ दुन्नू को भी मिल गया। यस यस करो। यस 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 गुड वन।
पापा क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अब्दुलरहमान यहाँ पर पैर पर मुंडी रखकर सो गए, बहुत थक गए थे ये और यहाँ पर दुआ खेल रहे हैं। अरे गाड़ी गिरा दी। अच्छा नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज है दूसरा दिन, आज डेट देखना पड़ेगा। तो आज है 12th ऑफ अप्रैल 2024 और आज है फ्राइडे और आज इस ईद की बासीदी भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आपने देखा कि हमने ईद के सेलिब्रेशंस में बिजी थे तो काफ़ी लोग से मिलना हुआ कल ईद के दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हमारे घर भी आए और हम भी काफ़ी लोग के घर गए और सबसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। और दोपहर के बाद कुछ शूट करना हुआ नहीं, सब मिलना मिलाना चालू था, उसके अंदर बिजी थे। मगरिब की नमाज़ के बाद मेरी तबीयत थोड़ी डाउन होना स्टार्ट हो गई थी, फिर मैं सो गया था। आपको नज़र आ रहा होगा मेरी आवाज़ बैठ गई है थोड़ी, तो कल से बैठ गई है। फिर रात में कुछ ऐसा मोटिवेट हुआ नहीं मैं कि व्लॉग एंड करने के लिए, और फिर आज सुबह से भी ये व्लॉग को एडिट करना था, पर सुबह लेट उठा, जुमा की नमाज़ पढ़ा, फिर नमाज़ के बाद भी अलग थोड़ा सा वीकनेस स्टार्ट हो गई थी तो वापस से सो गया था। तो दोपहर में 3 बजे उठा था मैं, अभी 4-5 बजे थोड़ा बाहर आया था काम से, तो अब थोड़ी तबीयत बेटर लगी तो सोचा चलो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़, मैं सोच रहा हूँ ये हमारा ईद का व्लॉग, चांद रात से लेके ईद तक का व्लॉग, और आज बासी रही, ये व्लॉग को हमें यहीं तक रखते हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, ओके, टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आप सभी को ईद मुबारक।